तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्रांसमीटर और रिसीवर। इसे आप सिर्फ 70 रुपए में परचेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप इसे सिर्फ 70 रुपए में परचेस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक वेबसाइट की लिंक दिया हूँ जहाँ पे से आप इसे परचेस कर सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आपको ये प्रोडक्ट ऑफलाइन में परचेस करने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में, और आप इसे ऑनलाइन भी 70 रुपए में परचेस कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट का रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों ये रहा वो ट्रांसमीटर और रिसीवर पोर्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रेंज की। तो अगर रेंज की बात करें दोस्तों, तो आपको ये करीब करीब लगभग 40 मीटर का रेंज आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप इस रिसीवर बोर्ड को किसी एक कार में लगाते हो, जैसे आपने कोई होममेड कार बनाए उसके अंदर इस रिसीवर बोर्ड को लगाते हो, और अगर 40 मीटर दूर खड़े रहकर इस ट्रांसमीटर बोर्ड से अगर आप बटन प्रेस करते हो, तो आपके कार तक सिग्नल जरूर पहुंचेगा। ये जो रिसीवर बोर्ड है ये सिग्नल जरूर कैच करेगा। लगभग 40 मीटर तक ये अच्छे से काम करता है। मैंने इसे अपने कई वीडियोस में इस्तेमाल किया है और मैं आगे भी इसी का इस्तेमाल करता रहूंगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जो आपको 2.4 GHz के ट्रांसमीटर और रिसीवर मिलते हैं, जो कि आपको काफी महंगे देखने को मिलेंगे, करीब करीब आपको 3,000 से लेकर 4,000 और 5,000 रुपए में वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपका एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ नॉर्मल बोर्ड या फिर कोई रिमोट कंट्रोल कार, जिसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो 2.4 GHz के जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं वो भी बेहतर होते हैं, बेटर क्वालिटी के होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका इस्तेमाल आप उस प्रोजेक्ट में कर सकते हो जहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज के लिए कोई चीज़ को हैंडल करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ड्रोन बनाते हो, क्वाडकॉप्टर बनाते हो, ड्रोन बनाते हो, प्लेन बनाते हो, तो उसमें आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप कार बनाते हो, बोर्ड बनाते हो, रोबोट बनाते हो, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे पीसीबी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें जो बटन्स लगे हुए हैं, साउंड सुन सकते हो दोस्तों आप इसका। और अगर पीछे पीसीबी के अगर देखे सोल्डर्ड किया हुआ पार्ट, तो फिर वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से सोल्डर्ड किया हुआ है। ऐसा यहाँ पे कोई भी मुझे दिक्कत शो नहीं हुई कि मतलब कोई कंपोनेंट हिल रहा है या फिर अच्छे से शोल्डर नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली इसमें शोल्डर है। पीसीबी की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये जो रिसीवर बोर्ड है, सेम इसकी भी बिल्ड क्वालिटी मुझे ट्रांसमीटर की तरह ही परफेक्ट लग रही है। इसमें भी कोई कंपोनेंट मुझे हिलता हुआ या फिर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये प्रोडक्ट बेहतर है, मैं यही कहूँगा। और इसके प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों ये, क्योंकि प्राइस रेंज आपको भी जैसे कि मैंने बताया है 70 रुपये का आपको ये परचेस करने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अमेजोन पे आपको ये प्रोडक्ट 450 रुपये में देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे ये प्रोडक्ट आपको 700 रुपये में देखने को मिलेगा, और ये जो एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका नाम है आली एक्सप्रेस, इस पे आपको यही ट्रांसमीटर और रिसीवर 68 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो 68 रुपीज़ में आपके लिए काफ़ी बढ़िया डील होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो 78 रुपीज़ लगेंगे आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको चाइना से डिलीवर होके इंडिया में आएगा। ओके, तो फिर भी अगर आप 78 और 68 रुपीज़ अगर गिनते हैं, तो लगभग आपको 150 रुपये में ये पूरी चीज़ मिल जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सेम प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगा जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, और वर्ल्ड में आप कहाँ भी रहते हो या फिर इंडिया में आप कहाँ भी रहते हो, आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि आली एक्सप्रेस जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड आपको एक्सपोर्ट करवा कर देगी, आपके डोर स्टेप तक डिलीवर करवा के देगी। तो ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जरूर से इसे चेक कर सकते हो और परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।